हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ, जो मैंने आपको पिछले दो पार्ट दिखाए हैं दरबारगढ़ के, वहीं पे जा रहा हूँ आज मैं। और आज तीसरा पार्ट बनाने के लिए जा रहा हूँ, और आज स्पेशली मैं दरबारगढ़ के अंदर जा रहा हूँ। तो जो भी मेरे मांगरोल के भाई लोग या फिर कहीं किसी भी जगह पे रहते हो, अगर आपको दरबारगढ़ के अंदर का नज़ारा देखना है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा का पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, हम आ गए वापस दरबारगढ़ में। आपको दिखाता हूँ नज़ारा जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, ये पूरा दरबारगढ़ है। अभी हम इसके अंदर जाने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं दरबारगढ़ के अंदर, और अभी आपको पहले तोप दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये तोप है जो यहाँ के राजा महाराजा यूज़ करते थे। ये तोप है, और अभी ये वो जगह है जहाँ पर दरबार भरा जाता था यहाँ के राजा का। नवरात्रि के दिन यहाँ पर गरबा खेले जाते हैं। जब भी नवरात्रि होती है तब यहाँ पर बहुत बड़ा गरबा होता है। और यहाँ पर पहले के ज़माने में दरबार भरा जाता था राजा का, और जब भी दरबार भरा जाता था तो उसमें सुनवाई होती थी, क्या करना है क्या नहीं। यहीं पर बैठा जाता, सिंहासन लगता होगा उनका। यहाँ पर अभी कोई रहता है तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए यहाँ पर स्पीच बना दी है, ताकि क्या है, क्रिकेट खेल पाए। बाकी दरबारगढ़ के अंदर देखिए, अभी आपने पहले वीडियो में जो गेट देखा था ना, वहाँ से यहाँ से फिर अंदर आओगे आप, वहाँ से होकर यहाँ से आएंगे। हम आए हैं भवानी माता के मंदिर से अंदर होकर आए हैं अभी हम। वो वाला गेट बंद है, तो वहाँ का इलाका हम आपको दिखा नहीं सकते। देखिए, वहाँ पर भी बंद है गेट, तो ये इलाका तो हम आपको दिखा नहीं सकते। बाकी ये देखिए, पूरा दरबारगढ़ अंदर से इस हिसाब से दिख रहा है। अभी हम और भी जगह पे जाने वाले हैं, अंदर तक जाएंगे और चारों ओर से पूरा का पूरा नज़ारा कैचअप करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अभी हम ऊपर की ओर चलते हैं, यहाँ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ से होकर हम अभी ऊपर की ओर चलेंगे। ये दरबारगढ़ में पूरे अंदर चारों ओर हम देखेंगे क्या क्या आखिर हमें मिलता है। तो चलिए देखते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सीढ़ियों से होकर। सीढ़ियां वैसे काफी मजबूत हैं, ऐसा डर नहीं है, खतरा नहीं है गिरने का। ये देखिए, ये पुराने जमाने का है सारा का सारा स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक रूम है, ये उसकी सीलिंग है पूरी, और अभी चारों ओर से दिवाली अभी इस हिसाब से है। नीचे से अभी ये जो तोप मैंने आपको दिखाई थी, ये सब पूरा इलाका। और ये देखिए, दरवाजे में भी कितनी सारी अच्छी कलाकारी है यहाँ पर। अभी चलते हैं हम आगे थोड़ा। यहाँ पर एक दूसरा कमरा है, ये कमरा थोड़ा इस हिसाब से है। अभी आपको थोड़ा खंडर सा दिख रहा होगा, लेकिन पहले के जमाने में यहाँ पर बहुत चकाचौन रोशनी होगी। ये देखिए, ये यहाँ पर दिए रखे जाते थे पहले, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर पूजा पाठ के लिए कुछ रखा जाता होगा शायद। यहाँ पर कुछ इस हिसाब से है। ये थोड़ा सा आपको ब्लर दिखेगा क्योंकि रोशनी कम है, इस वजह से कैमरा में रिकॉर्ड ज्यादा नहीं हो पा रहा है। बाकी ये देखिए, बाहर से तो वो कुछ अच्छा दिख रहा है, यहाँ सिर्फ झाड़ियाँ हैं। यहाँ पर एक चलट तो भाई, ज़्यादा आगे मत जाना क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है, ठीक है, इसलिए इससे ज़्यादा आगे मत जाओ। चलो,
ये क्या है यहाँ पर? यहाँ का बाथरूम वगैरह होगा शायद ये। चलिए अभी हम यहां से सीढ़ियों से होकर निकलते हैं, थोड़ा आराम से चलना है भाई सबको, ताकि कोई गिरे ना। जैसे ही हम यहाँ ऊपर चढ़ते हैं, हमें कुछ इस हिसाब से नजारा मिलता है यहाँ का। कि शायद हम वो जो धजा वाला सीन है ना, वहां तक तो हम पहुंच चुके हैं। नीचे से जो हमें धजा दिखाई दी जाती है, वहां तक पहुंच चुके हैं हम। ये पूरा मांगरोल सिटी दिखता है यहां से। यहाँ से थोड़ा सा गिर चुका है सब कुछ। यहाँ पर झूले के लिए ये देखिए, यहाँ पर पहले दिए रखे जाते होंगे। ये कमरा बहुत छोटा सा है, देखिए मैं टच कर पा रहा हूँ इसे। यहाँ से नजारा देखते हैं हम। ये देखिए मांगरोल सिटी का क्या नजारा आ रहा है यहाँ से। थोड़ा आपको मोबाइल बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ये देखिए बाथरूम है यहाँ का। ये पहले का देखिए टॉयलेट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर से वो जो नीचे का नजारा जो मैंने आपको दिखाया था, वहां पर रहकर ये दरबार पढ़ा जाता था यहाँ पर। यहाँ पर नहाने के लिए एक बाथरूम था। ये देखिए आपको यहाँ पर एक गड्ढा दिखेगा, यहाँ से पानी जा सकता है बाहर, तो इस हिसाब से नहाने के लिए बनाया गया था बाथरूम। तो ये देखिए ये बहुत सारा चिपक चुका है यहाँ पर ये चुप। अभी हम थोड़ी सी यहाँ पर फोटोग्राफी कर लेते अपने लिए। तो दोस्तों हमने यहाँ नीचे का नज़ारा तो कैचअप कर लिया है, अभी थोड़ा सा और बाकी है, लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं यहाँ के टेरेस पे। तो चलो दरबारगढ़ के टेरेस पे चलते हैं। वैसे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि ये जितना अभी नीचे दिख रहा है उससे ज़्यादा कई ऊपर था इससे पहले, मतलब आधा तोड़ फोड़ दिया है। तो अभी चलते हैं हम यहाँ पर, एक ये सीढ़ी रखी हुई है इसके ऊपर जाकर। चलो भाई तट से शुरुआत करते हैं, अगर ये नहीं गिरा तो हम भी जाएंगे, ठीक है?
ठीक है, हमारे लिए सेफ है, लेकिन हमें और भरोसा नहीं है इसलिए इसे भी भेजेंगे। जाओ वो वजन ना दे दो। ओ बाप रे, गिरनार चल रहा है ये। गिरनार नहीं, दरबारगढ़ चल रहा हो। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं यहाँ पर एकदम ऊपर दरबारगढ़ पे, टॉप पे आ गए हैं। और ये जो ध्वजा जो हमें नीचे से दिखाई दी जाती थी, ये ध्वजाएं हैं। और ये देखिए पूरा मैंग्रोव सिटी का नज़ारा यहाँ से कैसे दिख रहा है आपको। कितना मस्त नज़ारा है यहाँ से देखिए। अभी दरबारगढ़ के वो दरबार का इलाका है, तोप वगैरह जो मैंने आपको दिखाई थी वो है सब यहाँ पर, या यहाँ पर ऊपर है एकदम। देखिए कितना मस्त नजारा दिख रहा है यहाँ से। यहाँ पर फोटोग्राफी हो रही है अभी कुछ। अभी देखते हैं यहाँ से आगे जाकर। ये नीचे का इलाका, हमने अपनी बाइक वहाँ पर रखी है, वहाँ पर हमारी बाइक है। अभी ये मंदिर से होकर हम आए हैं यहाँ पर। देखिए ये जो बॉर्डर दिख रही है ना आपको, ये मंदिर की है। ये जो देखिए ध्वजा भी, यहाँ पर पहले बहुत सारे सैनिक पहरा भी देते होंगे, है कि नहीं? यहाँ पर ध्वजा इस तरह से रखी हुई है। ये वो जरूखा है जो बाहर से दिखता है। ये देखिए कितनी मस्त डिजाइन है यहाँ पर। ये यहाँ से नज़ारा देखिए कितना मस्त आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, एक गेट है, ये जो भी मेन गेट है ना, वहाँ से जहाँ पर हमने अपनी बाइक रखी है, वो पीला वाला गेट जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया, वहाँ से अंदर आकर यहाँ से जाया जाता है पूरा अंदर। और जो इसके पीछे का इलाका है वो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया है, जो क्रिकेट पिच दरबार भरा जाता है वो इसके पीछे वाला इलाका वही है। बाकी जरूर है यहाँ पर, और वहाँ से मैंने अपने दूसरे पार्ट में रिकॉर्ड किया है सब कुछ। ये जो इलाका है, जो पिछवाड़ा उसका टूटा फड़ा हुआ है, वो मैंने वहाँ से रिकॉर्ड किया है, वो अपने मेरे दूसरे पार्ट में देखा होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से समंदर तब भी दिखाई दे रहा है, शायद आपको दिख रहा है, ये समंदर है। ये जो लास्ट में ये दिख रहा है ना ब्लर ब्लर, ये पूरा का पूरा समंदर है। कितना मस्त दिख रहा है यहाँ पर। तो अंजीर का पेड़ है, हाँ तोड़ लो तोड़ लो। इलाका बहुत बड़ा है भाई, है कि नहीं? चलो अभी नीचे चलते हैं, एक वन बाय वन सब नीचे चलते हैं। अंजीर यहाँ पर रखकर नीचे उतर रहा है। अभी आ रहे हैं हम नीचे, एकदम आ गए हम नीचे, और अभी जा रहे हैं वापस घर की ओर। तो आपने देखा पूरा का पूरा ये दरबारगढ़। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। तो आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते। और अब मिलते हैं हम अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।